अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारी एसडी किचन में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज मैं आपके साथ आलू मेथरे की रेसिपी शेयर करूंगी। एक तो होती है आलू मेथी, लेकिन मैं आपके साथ आलू मेथरे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए हमने आलू ले लिए हैं। जितने आपने बनाने हैं उतनी आप क्वान्टिटी रखें। मैंने एक बॉल आलू लिया, इनको काट लिया हमने, और 2 किलो हमने लिए हैं मेथरे। और साथ ही आज मैं इनको आपको स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी और हम साथ इसको बनाएंगे भी। और इसमें सिर्फ मसाले जो जाते हैं वो नमक जाएगा, सुरख मिर्च जाएगी और हल्दी जाएगी। वो अपने आपने टेस्ट के मुताबिक रखने, जितना आपको स्पाइसेस पसंद है उतने रखें। फिलहाल मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया और 1.5 चम्मच हमने सुरख मिर्च लिया है और 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी यूज़ करूँगी, बाकी हम बाद में टेस्ट कर लेंगे। अब मैं आपके साथ बनाने का तरीका शेयर करूँगी। हमने बनाने कढ़ाई हमने रख ली है और अब हम इसके अंदर सबसे पहले तेल ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। साथ ही ऑयल हमने जो हांडी वाले चमचे होते हैं वो हमने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। सिर्फ 1 से 2 मिनट ये भुन चुकी है मसाले हमारे। अब हम इसके अंदर मेथरे ऐड करेंगे। कोई इसके अंदर आपने और मसाला नहीं जाना इसके अंदर, ना ही आपने यूज़ करना। इसी तरह आप बनाकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। अब आपने अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। अब हमने इनको नॉर्मल फ्लेम पे रख देना और हमने इसको कवर कर देना है। अब देखें जी, मेथरे इतने हो चुके हैं लेकिन अभी फुल पके नहीं हैं। आपने अगर स्टोर करना है तो इस तरह आके जब इस तरह हो जाएंगे, अभी पानी भी है इसके अंदर, तो आप इनको स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल आप जब मर्ज़ी इसको यूज़ करें बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने फ्रेश बनाए हैं। अभी जितनी देर आप मर्ज़ी इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। अब हमने देखें इसके अंदर भी पानी भी है, हमने इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। अब आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखेंगे। अब हमने कवर इसको कर देना ताकि आलू अच्छे से गल जाए। आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इसका ऊपर से ढक्कन उतार के अब हमने इसको पानी से ड्राई करना। हमने अच्छे से आपने इसको भून के पानी ड्राई कर लेना। देखें जी, ऑलमोस्ट पानी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। आलू हमने इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि आलू मेथरे के अंदर हमारे घर में आलू ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, इसलिए हमने डाले हैं ज़्यादा। आप अपनी मर्ज़ी से डालें जितने आपको पसंद है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका बनाने का और खाने में बहुत ही ज़्यादा इसका मज़े का टेस्ट है। इसी तरह आप इसको फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजम बताइएगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। सिर्फ 1 से 2 मिनट और मज़ीद इसको पकाऊंगी, फिर इसको हम बंद कर देंगे फ्लेम। देखें जी, आलू मेथरों का सैलड हमारा बन का बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी देखें बिल्कुल इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको फ्लेम को करूँगी बंद और अब मैं इसको निकालती हूँ किसी प्लेट में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें जी, आलू मेथरे हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी तरह आपने इस रेसिपी को फॉलो करना और मुझे लाजम बताना है आपने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसको लाइक करना, वीडियोस को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसको लाजम शेयर किया करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।